हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंशूज़ किचन। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं इस बार रेसिपी बहुत लेट लेकर आई हूँ, क्योंकि थोड़ा मेरा स्केड्यूल बिज़ी चल रहा था, तो इसलिए मेरे को रेसिपी में थोड़ा लेट हो गया है। पर आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत ही टेस्टी है। उसका नाम है इटालियन पास्ता। पहले भी मैंने इंडियन पास्ता की रेसिपी डाली थी, लेकिन आज मैं इटालियन पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी बनती है, एकदम होटल के जैसा इसका टेस्ट आता है। अगर आप घर पर बनाएंगे तो सबको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि हर नेक्स्ट रेसिपी के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं इटालियन पास्ता बनाना। सो फ्रेंड्स, इटालियन पास्ता बनाने के लिए देखिए, मैंने ये पास्ता लिया है और इसको मैंने कुकर में ही बॉइल्ड कर लिया था। ये देखिए कितना अच्छे से कुक हुआ है हमारा पास्ता, ना ज़्यादा कुक हुआ है ना कम, एकदम परफेक्ट जैसा हमें चाहिए था वैसा कुक हुआ है। मैंने पास्ता के ऊपर पानी डूब जाए इतना मैंने पानी लिया था, और एक सीटी लेकर इसको तुरंत खोल लिया था, तो हमारा पास्ता इतना अच्छे से कुक हो जाएगा। तो चलिए, पास्ता तो बॉइल्ड हो गया है, अब चलते हैं आगे के प्रोसीजर पर। आप अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से पास्ता ले सकते हैं जितना आपको चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सब इटालियन वेजिटेबल्स हैं ये मैंने कट करके रखी हैं। ये बेल पेपर्स हैं, मैंने इस तरह से लंबा लंबा इसको कट कर लिया है, तो आप भी इसी तरह से इसको कट कर सकते हैं। ये देखिए, और ये मैंने मशरूम है, मशरूम को मैंने वॉश करके उसको थोड़ा सा छील कर ऊपर छिलका उतार कर उसका मशरूम को कट कर लिया है। ब्रोकली मैंने थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं, और अनियन को मैंने इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है, और बेबी कॉर्न देखिए मैंने इस तरह से बेबी कॉर्न को भी लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है। आप इटालियन वेजिटेबल्स कोई भी ले सकते हैं, एवोकाडो भी ले सकते हैं, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं वेजिटेबल्स जो आपको पसंद हैं। चलिए अभी आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, आप वेजिटेबल्स अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, और कम पसंद है तो आप कम यूज़ कर सकते हैं वेजिटेबल्स। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें टोमेटोज़ में बीच में ऐसे कट लगाना है। देखा होगा आपने, एक मैंने कट इधर से लगाया है और एक सामने से लगाया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमें ऐसे कट लगाने हैं सब टोमेटोज़ में। सो फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से मैंने सब टोमेटोज़ को कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, हमने जो टोमेटोज़ को कट किया था उसको हमें बॉईल करना है। उसके लिए मैंने ये देखिए इसमें एक गिलास पानी लिया है, और सारे टोमेटोज़ को हमें इस तरह कुकर में रख देना है और इसको बॉईल कर लेना है। सो फ्रेंड्स, जब तक हमारे टोमेटोज बॉयल हो रहे हैं तब तक मैंने ये देखिए आगे का प्रोसीजर पर चले हैं। ये मैंने एक कढ़ाई ली है, गैस चालू किया है, और इसमें एक 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ऑयल डाला है। ये थोड़ा बटर भी ऐड किया है मैंने इसमें, इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। ये गर्म हो गया है, इसके अंदर अभी ये देखिए चॉप्ड अनियन मैंने ऐड किया है। इसको अच्छे से थोड़ा सा लाइट पिंक के करीब हम लोग इसको भून लेंगे। अब ये देखिए, मैंने बेल पेपर्स डाल दी है इसके अंदर, क्योंकि हमारा जो अनियन है थोड़ा सा पिंक हो गया था, दोनों बेल पेपर्स डाल दिया है। ब्रोकली भी मैंने ऐड कर दी है इसमें, और ये बेबी कॉर्न भी ऐड कर दिया है, और इसको अच्छे से हम लोग सॉटे कर लेंगे। और ये मैं इसमें अब कटे हुए मशरूम भी ऐड कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरी सीटी आ गई है कुकर में, मैं गैस बंद कर देती हूँ। टोमेटोज हमारे अच्छे से बॉईल हो गए होंगे अभी। सो फ्रेंड्स, ये टोमेटोज तो बॉईल्ड हो गए हैं, तो अभी हमें इनका टोमेटो प्यूरी बनाना है। तो उसके लिए हमें इनका छिलका साइड में उतार के रख देना है, फिर हमें इसका प्यूरी बनाना है। तो इसका छिलका उतार लेती हूँ, अभी तो टमाटर बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा होने के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा। फिर इसका छिलका उतार के मिक्सर में इसका टोमेटो प्यूरी बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इतने छिलके हमने टोमेटोज में से निकाल लिए हैं, और मैं इसको अभी मिक्सर में डाल लेती हूँ, और मिक्सर में डालकर इसको हमें प्यूरी बना लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, वेजिटेबल्स भी हमारी अच्छे से सॉटे हो गई हैं, और इनको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है हमें, बस हल्का सा सॉटे करना है। तो मैंने गैस बंद कर दी है। ये देखिए फ्रेंड्स, टोमेटो प्यूरी हमने बना ली है, अच्छे से एकदम रेडी है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, हमने जो टोमेटोज़ ये बॉईल किए थे तो इसमें काफ़ी सारा टोमेटो का पानी है, तो इसको हमें वेस्ट नहीं करना है। तो इसको भी हम छलनी से छान लेंगे,
और हमारा ये पानी भी उसमें प्यूरी में काम आ सकता है। सो फ्रेंड्स, अभी हम इसमें सॉल्ट एंड पेपर डालने वाले हैं। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और ये पेपर मैंने इसमें डाल दिया है, हाफ टी स्पून के करीब डाला है। तो वो स्पाइसी कैसा आपको चाहिए आप उस हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। और हमने जो भी टोमेटो प्यूरी बनाया है उसको भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी ये देखिए टमाटर का जो पानी मैंने आपको बताया था कुकर में था वो मैंने छान लिया है और इसको थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, और इसको भी अच्छे से कुक कर लेना है हमें। और अब इसके अंदर मैं टोमेटो सॉस डालने जा रही हूँ। 1 टेबल स्पून के करीब आप इसमें टोमेटो सॉस डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको और टेस्टी और मज़ेदार बनाने के लिए मैं इसमें पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये इटालियन पास्ता आप घर पे बनाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप घर पर बना रहे हैं, इतना टेस्टी बनता है। मैंने इंडियन पास्ता की भी रेसिपी नीचे डाली हुई है, तो आप मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप मेरा इंडियन स्टाइल से बना हुआ पास्ता भी देख सकते हैं और ये इटालियन पास्ता भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो दोनों तरह से मैंने बनाया है तो आप बना सकते हैं। इसको अच्छे से हमें कुक करना है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसमें 1 टीस्पून के करीब शुगर ऐड किया है जिससे इसका टोमेटो का टैंगी टेस्ट थोड़ा चला जाए और बैलेंस हो जाए हमारे पास्ता के टेस्ट में। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने ये ऑरिगेनो भी डाला है थोड़ा टेस्ट के लिए, और ये थोड़ा सा टेस्ट के लिए मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किया है। और फ्रेंड्स, और अच्छा टेस्ट लाने के लिए थोड़ा सा मैंने इसमें इटालियन हर्ब्स डाला है। सो फ्रेंड्स, मसाले तो मैंने सब डाल दिए हैं और अब मैंने इसको स्लो गैस में लिड से कवर कर दिया है जिससे कि हमने जो भी इसमें मसाले डाले हैं, ऑरिगेनो डाला है और इटालियन हर्ब्स डाला है, जिससे कि उसका टेस्ट अच्छे से इसके अंदर सेट हो जाए। तो इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए मैंने लिड से कवर किया है। सो फ्रेंड्स, इसमें और अच्छा क्रीमी टेक्सचर आने के लिए ये मैं मलाई डाल रही हूँ। मलाई घर पे सबके यहाँ मिली जाती है, आमतौर पर देखा जाता है सबके घर में मलाई होती ही है। आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। सिर्फ 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें मलाई ऐड किया है। इसको अच्छे से चला लेती हूँ मैं। इससे इसका टेक्सचर एकदम अलग हो जाएगा। फ्रेंड्स, पास्ता की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए ये पास्ता घर पे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, मैं एक बार ये टेस्ट कर लेती हूँ कि हमारा जो मसाला है सब इसमें प्रॉपर है कि नहीं, क्योंकि अभी हम ऐड कर सकते हैं कुछ भी, नमक मसाला कुछ भी अगर कम है तो। ओ माई गॉड, इट्स वेरी ऑसम। गाइज, आप ये रेसिपी अपने घर पे ज़रूर बताइए। आई श्योर यू, आपको इतनी पसंद आएगी ना तो आप ये बार बार बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी, और इसका जो मसालों का जो कॉम्बिनेशन हम लोगों ने डाला है ना वो इतना ऑसम है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप सोच रहे होंगे मैं इतनी तारीफ कर रही हूँ, तो अगर आप बनाएंगे तो आपको सच में लगेगा, ये सच में ही तारीफ के काबिल है। सो फ्रेंड्स, पास्ता की ग्रेवी तो एकदम रेडी हो गई है। अब मैं पास्ता इसमें मिक्स करने जा रही हूँ। ये मैंने सारे पास्ता इसमें डाल दिए हैं और इसको मिक्स कर लेती हूँ अभी। फ्रेंड्स, ये देखिए मैं इसमें थोड़ा सा टोमेटो, उसका थोड़ा जो पानी था मैंने आपको बोला था वो आप बचा कर रखें, कभी भी काम आ सकता है, थोड़ा सा वो ऐड किया है जिससे कि हमारा जो पास्ता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है थिक हो गया है तो ग्रेवी को पतला करने के लिए आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमारा पास्ता, यम्मी यम्मी पास्ता रेडी हो गया है, ये देखिए। सो मैं गैस बंद कर देती हूँ क्योंकि पास्ता एकदम रेडी हो गया है। अब इसको मैं सर्व कर देती हूँ, ट्रे में निकाल लेती हूँ। Thank you.
सो फ्रेंड्स, पास्ता हमारा एकदम रेडी हो गया है, तो आप ये रेसिपी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।